पैसा नहीं मिले, चावल नहीं मिले, चावलों नहीं मिले तोला। का नहीं मिले? चावल नहीं मिले न पैसा नहीं मिले मोला। अच्छा, अब कैसे करो? कौन गांव ले आए है? इहिन में हो। केवरा का? केवरा का है। अच्छा, अब पेंशन? पेंशन नहीं मिले। हम अपना परिचय बता दीजिए और इतना बड़ा सम्मेलन बैठक आज क्यों हुआ है ये बताइए जानकारी। यहाँ स्वस्थ पंचायत सम्मेलन जन सम्मान, इसमें छोटी मोटी जो समस्या है जी, उस समस्या का संबंधित अधिकारियों से अवगत कराना है जी। और उसमें है मुख्य उद्देश्य है, जो पांच उद्देश्य है उसमें है शासकीय सेवाओं पर समुदाय की निगरानी सशक्त करना, दूसरा है समुदाय को अपनी समस्या को रखने का अवसर देना, तीसरा है पंचायत के सदस्यों और जन प्रतिनिधि का स्वास्थ्य जुड़ाव बढ़ाना, चौथा है अधिकारियों को क्षेत्र स्तरीय समस्याओं से अवगत कराना, पांचवा है ग्राम स्वास्थ्य समिति का सशक्त करना। मुख्य रूप से अभी समस्या का आकार है उसके बारे में बता तो, समस्या तो बहुत प्रकार की समस्या है। अभी राशन दुकान में जो अभी 3 माह का निशुल्क और अतिरिक्त दिया जा रहा है, उसमें अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो अक्टूबर में तो दिए ही नहीं है, नवंबर में बोल रहे हैं कि नवंबर में सिर्फ अतिरिक्त वाला मिला है और बाकी नहीं मिला है ना दीदी लोग, ऐसा ही क्या बोल रहे हैं। और जैसे आंगनवाड़ी में समस्या, आंगनवाड़ी में क्या समस्या रहता है कि वहाँ मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म तो भराता है, पर वहाँ जो कार्यकर्ताएं हैं वो कार्यकर्ता द्वारा मतलब उस फॉर्म को परियोजना अधिकारी तक नहीं पहुँचाते हैं, और इसलिए हमारी जो गांव में माता बहने हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। बार बार वो लोग पासबुक एंट्री करवाने जाते हैं, पासबुक एंट्री करवाने से पैसा नहीं आता है, नहीं आया है कह के बोलते हैं, यहाँ से जानकारी लाते हैं, फिर वहाँ जो भी कारण रहता है नहीं मिलने का उस कारण को कार्यकर्ता द्वारा नहीं बताया जाता है। एक बहुत सारी समस्या है और आंगनवाड़ी में भी समस्या है कि बच्चों को पका भोजन नहीं मिलता है, कोई कोई आंगनवाड़ी में तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह नहीं मिलता है, लेकिन कोई आंगनवाड़ी ऐसा है कि वहाँ बच्चों को पका भोजन नहीं दिया जाता है, और जो रेडी टू ईट है वो रेडी टू ईट हर सप्ताह मतलब हर महीना में 4 पैकेट मिलना रहता है, उसमें कहीं पर 2 पैकेट मिल रहा है, कहीं पर 3 पैकेट मिल रहा है, तो वो सब समस्या है। और रोजगार गारंटी का समस्या है, रोजगार गारंटी में तो काम करते हैं पर वहाँ आदेश तो है कि 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, पर वहाँ 1-2 महीना हो जाता है फिर भी भुगतान नहीं हो पाता है, वो समस्या है। हाँ, झूला घर नहीं मिलता है, ना दवा नहीं मिलता है, ये सब उसके लिए हम लोग के पास आवेदन भी आया है कुछ, तो ये भी समस्या। और शासन की योजनाओं पर बहुत सारा समस्या है, पेंशन की पात्रता है कोई तो उनको पेंशन नहीं मिल पाना, वहाँ गांव में सरपंच सचिव द्वारा मतलब पता नहीं क्या बताया जाता है, बुजुर्ग दाई तो कहाँ समस्या है, पैसा नहीं मिले, चावल नहीं, चावलों नहीं मिले तोला, का नहीं मिले, चावल नहीं मिले न पैसा नहीं मिले मोला। अच्छा, अब कैसे करो? कौन गांव ले आए है? इहिन में हो। केवरा का? केवरा का है। अच्छा, अब पेंशन? पेंशनों नहीं मिले। मैं क्या उनके नमाज जा रहा हूँ, क्या हुआ है सर पूरा जानकारी बता दीजिए सर। अच्छा, नवंबर में मिली थी,
सम्मेलन क्यों हुआ है सर, इसके बारे में? अक्टूबर में नहीं मिले। क्षेत्र की जो समस्या है, जो आम पब्लिक की जो समस्या है, उसको यहाँ जनसंवाद के माध्यम से उसको रखना होता है। जी जी। तो अक्टूबर के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोग आवेदन लिखवाइए यहाँ। और अभी हमारी जन प्रतिनिधि जनपद पंचायत अधिकारी को आना आ रहे हैं, तो उनसे हम लोग बात रखेंगे और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको आवेदन को ज्ञापन देंगे, संबंधित जो अधिकारी, ताकि जो एक महीना का नहीं मिला है वो आप लोग को मिल पाए। सबको भी बीओ साहब, पिछला ऐसे ही हुआ था अप्रैल में, उसका मार्च में दो माह का चावल दिए थे और क्या हुआ, पूछते कि हाँ ये समस्या है और ये कब तक, एक माह का पैसा लिए थे और एक माह का निःशुल्क दिए थे, फिर बाद में लेटर आया तो आके समस्या को सीधे तौर पर रख सकते वो पैसा। अभी कौन कौन सा मुख्य रूप से मतलब समस्या आ रहा है सर? नहीं, उसके लिए आप लोग कुछ किए रोजगार गारंटी तो क्यों नहीं किए? उधर उधर रखा आप लोग आवेदन लिखवाए, समस्या है जी, और आंगनबाड़ी से भी कुछ समस्या है, इस तरह का समस्या है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्या बताइए। मैं अप्रैल में पैसा मिला नहीं, सॉरी अप्रैल में मिला रहा चावल और अक्टूबर में नहीं मिला रहा, बोले कि क्या बोलते हैं डीडी फटा दिए, पब्लिक में मटा लिया उससे डर ना रहे तो जिंदाबाद, हम बोल रहे तो डरेंगे सही बात है, उसमें छुपाने वाली बातें नहीं है। चावल वाकई में नहीं मिला है, बहुत सारा टेक्निकल इशू आ रहा था है ना, बीच बीच में दे रहे थे लेकिन वो भी हैदराबाद से दिक्कत हो रहा था बता रहे थे। चलिए कोई अच्छे से बता सकते हैं तो यहाँ आ जाइए। आपको और किसी को राशन दुकान संबंधी कुछ समस्या, आप लोग को निःशुल्क देने का आया था तो क्या मिला कहीं पर? नहीं मिला है। पंद्रह साल हो गए, इसके लिए कम से कम राशन कार्ड तो बनना चाहिए और जो यही ब्लॉक की है तो पेंशन तो मिलना चाहिए भले कोई भी। तो नाम जुड़वाना पड़ेगा, इनके बाद उनको शासन का लाभ दिलाया जाएगा। वो तो जोड़ेंगे लेकिन आते नहीं है, उनका काम बोलते हैं आंगनबाड़ी मैडम से मिल के अपना नाम दर्ज करवा लेंगे मतदाता सूची में और सभी डॉक्यूमेंट केवड़ा के नाम पे करवा लेंगे। कहा कि बेटी बहन बाद में चले जाते हैं ससुराल, फिर बाद में गाँव में आ जाते हैं, नाम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और यहाँ उनका किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो आएंगे ग्राम पंचायत में आके अपना नाम करवा लेंगे। जी जी, आधार कार्ड में नाम सुधवाना पड़ेगा। नहीं तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में ना रखी है सचे नहीं तो कोई आई नहीं, जब नहीं मैं बोल बहुत यहाँ आई है। हाँ बोल कि लाइन दर आधार कार्ड लगे, लाइन दर में आधार कार्ड लगे ए आंचल कमा, आधार